हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, और गर्मी के मौसम में कुछ ठंडी या कुछ स्वीट सी रेसिपी अगर हमें मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो रेसिपी है मालवा की फेमस है और मालवा के ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बहुत ज़्यादा पुराने समय से ही चली आ रही है, और इस रेसिपी का नाम है सिवई और आम रस। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है इसका कॉम्बिनेशन जो है। तो चलिए हम बनाते हैं सिवई और आम रस। देखिए, यहाँ पे हम सिवई बनाने वाले हैं। तो सिवई जो है ये मैंने रेडीमेड ली है, मार्केट से ख़रीदा हुआ है। और ये जो सिवई है ये सूजी की है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और यहाँ पे हम आम रस बनाने वाले हैं, तो आम मैंने एक ले लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आम रस। तो आम रस बनाने के लिए मैंने ये आम लिया है, जिसे हमारे इंदौर क्षेत्र में इसे कलमी आम बोला जाता है। इसे हम छील लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से छील लिया है और इनके हम कर लेंगे पीसेस। तो देखिए, इनके हमने आम के पीसेस कर लिए हैं और आम रस बनाने वाले हैं। हम इसे डालेंगे एक मिक्सी के जार में। एक बाउल हमारा जो पल्प निकला है, समझ सकते हैं आप, आम के पीसेस निकले हैं। और इसमें हम डालने वाले हैं, या आइस क्यूब ले लिए हैं मैंने एक कटोरी, क्योंकि सिवई के साथ जो है ठंडा ठंडा ही आम रस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये जो है हम सिवई के साथ आम रस बनाने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट रहेगा, तभी हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक कटोरी हम चीनी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने एक कटोरी आइस क्यूब डाले हैं, एक कटोरी चीनी डाली है, और इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। तो देखिए, ये हमने आम रस तो तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छा बना है, परफेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, जो है सिवई है इसमें इसी तरीके का आम रस हमें चाहिए होता है। तो ये एकदम रेडी हो चुका है। तो देखिए, हमारा आम रस तो तैयार हो गया है, हम आगे सिवई की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने एक कटोरी भर के सिवई ले ली है। इन्हें हम बनाते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें बीच में आप, नहीं तो आपकी जो भी रेसिपी बनाएंगे वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई को गर्म रख दिया है। इसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच। घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं किशमिश, ये हम डालेंगे घी के अंदर, और काजू है ये डालेंगे। और ये जो किशमिश है ये इनको घी में डालते ही फूलने लगते हैं, इनका कलर चेंज होने लगता है। बहुत ज़्यादा इसे हम वो फ्राई नहीं करेंगे, ये हो चुके देखेंगे फूल चुके हैं। और अब हम सिवई डालेंगे। अगर आप फ्राई नहीं करते घी में, इनसे नहीं भूनते, सादी भी बना सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसका हल्का कलर चेंज होते तक हम इसे सिवई को भून लेते हैं। देखिए, हमारी जो सिवई है इसका कलर चेंज हो गया है, और इसमें हम डालने वाले हैं गरम पानी। तो गरम पानी हम नाप से डालने वाले हैं। ये देखिए कटोरी जिससे हमने एक सिवई डाली थी, और देखिए 2 कटोरी पानी हम इसमें डालेंगे। तो एक तो हमने डाल दिया और ये हो गए 2 कटोरी पानी, और इसे हम पकने देंगे। तो देखिए, ये देखिए हमारी सिवई जो है पक चुकी है, बहुत ही अच्छी पकी है। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसे किस तरीके के आपको चेक करना है। ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे दबा रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी से दब रही है। इसी तरीके की हमें बनाकर तैयार करना थी। और इसका पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, और ये नीचे से ये देखिए इतनी ड्राई हो चुकी है। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसे थोड़ी सी देर ढककर रखने में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे थोड़ी 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं बंद करके गैस को। देखिए, मैंने इसको ढककर रख दिया था, और अगर हम इसे बहुत देर तक ढककर रखते हैं तो ये एक दूसरे में बंध जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं रखा है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रखा था। और इसे हम ऐसे तुरंत चला देते हैं तो ये वापस से खिल जाती है। देखिए कितनी खिली खिली हो चुकी है हमारी जो सिवई है, और इसे हम निकालेंगे एक कटोरी में। आप इस तरीके से कटोरी का मेजरमेंट करके बना सकते हैं, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है। जैसे आपको नाश्ता करना है तो आप एक कटोरी बनाएंगे तो 2 लोगों के लिए इनफ है। और मैंने इसे एक कटोरी में निकाला है दबाते दबाते हुए, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसे डालने वाली हूँ एक प्लेट में, ये देखिए प्लेट ले लिया है मैंने, और इसे
कुछ इस तरीके से डालना है। तो ये काफी अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी दिखने में। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसे आप किसी भी चीज से गार्निशिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स है, चाहे तो आपने इसके अंदर जो काजू डाली थी वो भी आप इस तरीके से रख सकते हैं ऊपर, और जो काजू किशमिश। ये देखिए तो ये रेडी हो चुकी है सिवई हमारी। तो सिवई और आमरस हमारा रेडी है। आमरस पे भी आप पसंदीदा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन पिस्ता डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें ग्रीन पिस्ता रख दिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और साथ में हमारी सिवई भी बनकर तैयार हो गई है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आम रस और सिवई का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने लाइफ में कभी भी टेस्ट नहीं किया है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है और जब भी आपका कुछ स्वीट सा खाने का मन करता है, ठंडा खाने का मन करता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी है। लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।